नसीम मिलन अग्रे स्कूल के पास सर्वे नंबर 215 में हम लोग शादी का हॉल बना रहे थे। वहाँ जगह पर खाली जगह थी, मैंने वहाँ पर वॉल कंपाउंड किया और वॉल कंपाउंड का काम ही शुरू था। उसको वहाँ भर करना थी, भर करने के बाद दो रूम बनाना था, संडास बाथरूम बनाने के बाद उसके ऊपर बाद में डोम डालने की बात थी। 19/8/2019 को शेख अफजल सोसाइटी के, शेख अफजल एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के नाम से स्टे लिया गया और वो काम बंद पड़ गया। काम इसके लिए बंद कर दिया गया कि वो शेख आसिफ साहब ने इन लोगों को कोर्टों में लेकर गया और हाफिज नाम का लड़का है, वाले सब्जी वाले के नाम के लड़के के नाम से उन्होंने स्टे लिया और वो काम को बंद कर दिया गया। और काम बंद हुआ उसके बाद जो उसका बजट था वो लेप्स हुआ। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये सियासी दुश्मनी में किया गया, मगर ये समाज को बड़ा नुकसान पहुँचाया गया। हमारे पास उसकी स्टे की कॉपी है और समाज को बड़ा नुकसान पहुँचा गया कि आज हमारे उस एरिए के अंदर एक खूबसूरत हाल होता, कम से कम 1 करोड़ रुपये की लागत से मैं वो हाल को बना रहा था। मगर हमारी बदकिस्मती ऐसी कि वहाँ पर रफीक भूरे ने साथ मिलकर मर्चेंट वकील को लगाया और इन लोगों ने जाकर स्टे लिया। आज मैं समझता हूं कि अगर वहां पर हॉल बन जाता तो वहां के रहने वाले लोगों को, आजाद नगर हो, नया आजाद नगर हो, जूना आजाद नगर हो, चमन नगर हो, याकूब नगर हो, उस्मानाबाद हो, इस इलाके के लोगों को अपनी बेटियों की शादी करने के लिए बासानी होती। मगर काम इसके लिए ही नहीं करने दिया गया सिर्फ कि अगर एजाज बेग वहां पर हॉल बना देगा तो उसको क्रेडिट मिलेगा। इसके लिए मुझको हॉल नहीं बनाने दिया गया। मैं तो ये तक के बोला था कि भाई आप लोग बैठ के बना लो, मुझे क्रेडिट की जरूरत नहीं है। मगर ये लोग कभी भी दुश्मनी निकालते, समाज का नहीं सोचते। आज इन्होंने समाज का बड़ा नुकसान किया है और वहां पर एक सोसाइटी बनाकर दरवाजे में रख दिया। आज हमारी बहन बेटियां वहां शादी के अंदर जाती, वहां पर कुछ लड़के लोग बैठे रहते, हुल अपाड़ करते। ये सारी चीज मैंने वहां पर देखा। मैं इसका निषेध करता हूं और ये स्टे की काफी है, ये मैं हर घर घर में बांटने वाला है। जो लोग आज वहां पर जाकर लोगों को बोल रहे कि एजाज बे कोड मत दो, एजाज बे कोड देंगे तो शेख आसिफ गिर जाएगा, अरे तो क्या इनके बाप का राज है, ये क्या नौकरी के ऊपर लगे, लेके बाप दादा कहीं बाप के बाद बेटा लगेगा, अनुकंपा की नौकरी है क्या ये, समझ रहे। हर हाल के अंदर इनको आजाद नगर, नया आजाद नगर, जूना आजाद नगर, चमन नगर हो, याकूब नगर हो, चाहे उस्मानाबाद हो, इससे इलाके के लोग इनको वोट नहीं देंगे। इसके लिए नहीं देंगे कि समाज के अंदर इन्होंने सबसे बड़ा गलत काम किए। जो आज हमारा शादी का हॉल बनने वाला था, इन्होंने हॉल को रोक दिया। ये मेरे पास उसकी स्टे की कॉपी का सबूत है और इसका जो है सूत्रधार माजी आमदार शेख आसिफ साहब है, क्योंकि मैं और मेरी बीवी दोनों धरने के ऊपर वहां पर बैठे थे। वहां पर जब हम लोगों ने काम शुरू हुआ, हम लोग काम करा रहे थे, मगर इन लोगों ने एक नहीं सुनी और कोर्ट से स्टे लेकर आ गया। मैं आजाद नगर के लोगों से अपील करूंगा कि आने वाला कल इनको हिसाब किताब चुकाओ, क्योंकि ये सडोरी फडोरी लोग जो है ना, ये तुम्हारे वार्ड के ऐसे लोग वार्ड के कारपोरेटर बनाते, कैसे लोग इनको कारपोरेटर बनाते जो समाज का नुकसान कर देते। हमारी बहन बेटियों के लिए एक शादी हॉल में बना रहा था, क्योंकि मैं उस वार्ड का कारपोरेटर था, मेरा हक था काम करके देने का, तो इन्होंने करने नहीं दिया। मैं आवाम से अपील करूंगा कि आने वाला वक्त तो कल का जो है, इनको अपना हिसाब किताब चुका दे।